दिल्ली के दौरे पर जाने से पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने मीडिया से चर्चा करते हुए ईडी की कार्रवाई पर सवाल उठाए। सीएम भूपेश बघेल ने कहा है कि महादेव सट्टा ऐप पर राज्य सरकार ने कार्रवाई की है। ईडी को तो महादेव सट्टा ऐप के सौरभ चंद्राकर को गिरफ्तार करना चाहिए, जो कि देश से बाहर बैठा है, जिस पर सरकार ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। लेकिन ईडी राजनीतिक रूप से कार्रवाई छत्तीसगढ़ में कर रही है। ईडी को शराब घोटाले का हिसाब बता देना चाहिए। भाई, राज्य सरकार इसके पहले भी महादेव में बहुत सारी कार्रवाई की और बहुत सारे लोग जेल में हैं, कुछ लोग बेल में भी हैं। और जो मुख्य जो खिलाड़ी हैं, जो देश के बाहर हैं, उसके खिलाफ भी लुकआउट जारी कर दिया है। यदि ईडी को पकड़ना था ईमानदारी से, तो वो जो बाहर में हैं उसको लाने की कोशिश करते हैं। तो आपने वो किया नहीं, आप तो ये देखिए पॉलिटिकल एंगल कौन सा है, अधिकारी किस में फंस सकते हैं ताकि उसको चुनाव में उसको दबा के अपने पक्ष में काम करा सकें। जो नेतागण हैं या पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम में जो काम कर रहे हैं, उसको आप रोक सको या बाधित कर सको या उसको गिरफ्तार कर सको, ये उद्देश्य।